अच्छा देखो, आमे लास्ट क्लास रे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ी, बट क्वेश्चन वर्तमान है जे आमे खाली तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गुड़ाक लिखीदे से थोड़ा क्वेश्चन पढ़े केमी इम्पोर्टेंट जिनस कौन तुम्हें डी ब्लॉक एलिमेंट देख एफ ब्लॉक एलिमेंट देख से क्वेश्चन गुड़ाक इम्पोर्टेंट हला। देखो आमे जानचे जिते फोर एफ सीरीज फिलअप कल कौन कहली फोर एफ सीरीज फिलअप करुच से आउटरटा तुम किए अच्छे सिक्स एस टू ये सर न तो तुम फोर एस मान फोर एफ सब सीरीज मैंने जिते सिक्स एस टू पाच आकचुअली सिक्स एस टू बाहर अच्छे ता पूर्वर किए अच्छे फाइव डी रे जीरो किंबा वन अच्छी पुणी ता पूर्वर फोर एफ रे वन रु फोर्टिन रखुच है तो यूर कौन जना पड़ी दे विल शो भारिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन ये तीन टा जाक तुमर कौन करेंगे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन रे पार्टिसिपेशन कर पारे तो ये जिते कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रा स्टेबिलिटी चेक कर कौन कहले स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना तुमको चेक करवा पड़ो जे कौरे फोर एफ सब सेल अच्छी हाफ फिल्ड है आउ और कौन कहपर एटा फुल फिल्ड अच्छे ये गुड़ाक है तुमको ये जिनस गुड़ाक टिके चेक करने को पड़ो तो यहाँ कौर चेक हो पार तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रु ही चेक हो पार अच्छा देख मु तुमको तीन टा एग्जांपल कह विषय टिके डिस्कशन कले तुम जापर सपोज मु तुमको कहली या गाडोलिनियम ल्यूटेसियम ठीक अच्छे आ गोटे अच्छे तुम यूरोपियम ठीक अच्छे मु तार तुमको लिखिदे आटोमिक नंबरटा 63 64 यहाँ है तुम लास्ट 71 ठीक अच्छे तो से कहला यनिटा दिज थ्री हाव एक्सट्रा स्टेबिलिटी यहाँ क्वेश्चनटा एक्सट्रा स्टेबिलिटी दैन अदर लैंथेनाइड्स व्हाई है क्वेश्चनटा है कौन एक्सट्रा स्टेबिलिटी यन जन व्हाई तो या आंसरटा कौटी लुचि रही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम 63 के देख एटा को जदि जान मु तुमको यहाँ बार बार लास्ट क्लास रे स्टार मार्क दे कि रखी गाडोलिनियम रा एक्सेप्शन कौन एक्सेप्शन था गाडोलिनियम रे ना यहाँ हो सरी फोर एफ 14 फाइव डी 1 सिक्स एस टू है तो या ऊपर अच्छी जी सी एक्चुअली कौन है थे फोर एफ कौन 14 करदेली सॉरी हाफ फिल्ड बा सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी ठीक अच्छे एटा भी 7 है ये किंतु 5D टा के थे 0 6S2 एक्चुअली जिते यूरोपियम गाडोलिनियम जीव यहीटा जेहेतु हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन टा स्टेबल तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन टा आउ 4F8 न हो कि 5D1 हो जाए ये बुझिपार ये दुटा कौन पर लिखी अच्छा यहाँ सेमती ल्यूटेसियम के 4F14 5D1 6S2 तो देख यनिटारुटा को टे मार्क कर ये दुटा तुम कौन अच्छी 4F पूरा हाफ फिल्ड होणुकर ये दुटा कौन हो जाती ड्यू टू हाफ फिल्ड
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे आर स्टेबल हाफ फील्ड मोर स्टेबल बुझेला एटा सेमती फुल फील्ड हेची आ कौन अच्छी मोर स्टेबल बुझेला तो ए क्वेश्चन टा जो पचारी थी तुमको व्हाई यूरोपियम गैडोलिनियम एंड ल्यूटेशियम शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दैन अदर्स से व्हाईर आंसर टा कौन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी देला देखे दबो दीज आर हैविंग हाफ फील्ड फोर एफ बेटर हो फोर एफ हाफ फील्ड एठे थिबो फोर एफ फुल फील्ड सो दे गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बुझेला जानेला एटा पर्टिकुलरली शॉर्ट क्वेश्चन रे एक मार्किया क्वेश्चन रे पचारे व्हाई यूरोपियम शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ठीक अच्छे तो से तळ कोन कहिबो ना यूरोपियम हैज हाफ फील्ड फोर एफ सबसेल सो इट इज शोइंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर अच्छा बर्तमान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विषय तो किसी आईडिया हो गला जदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विषय आईडिया हो गला सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेटर हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी थो कहीं कौट के इलेक्ट्रॉन जीव तुम्हें जान जाइ है ना नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट ओके ऑक्सीडेशन स्टेट रे काम कौन है ना किए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखे किए अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखे से ही आम देखार अच्छा देख फास्ट जिनस कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेटा केमी देख तुम थ्री डी सीरीज पढ़ी तार आउटर टा किए होता फोर एस टू ता पर्व किए होता थ्री डी वन टू टेन तो यार कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेटा किए होता ड्यू टू दिस केते प्लस टू और प्लस वन एठी सेमती यार केते हबो तो एटा जानिबा को हेले एटा जेमती इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टा हेल्प करथला एठी भी हमको के हेल्प करिवो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यार जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें कौन लिखंती एन माइनस टू एफ वन टू फोर्टीन एन एन माइनस वन डी जीरो टू वन एन एस टू एटा लिखते तो यही देखला यार जेनेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या जो आसुक जो नॉट ड्यू टू दिस वन है मुझेपर कि द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जमती देख थ्री डी थ्री डी सीरीज रे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के प्लस टू सेमती यार कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेटा के टे ध्यान रे देख जदि ये दीटा इलेक्ट्रॉन ये गोटे इलेक्ट्रॉन टोटाल केनटा तेल यार जनरल ऑक्सीडेशन स्टेटा के प्लस थ्री समस्ते प्रायतः यार प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट देखाती बाद अलग सब देखे तेल मुहिपर कि जे यार देख दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ को इलेक्ट्रॉन एन एस टू एंड एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन हाँ ना तीन टा इलेक्ट्रॉन अच्छे तेणुकर कौन देखे प्लस थ्री कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक अच्छे किंतु दे ऑल्सो सो कौन है दे ऑल्सो सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कहली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू कौन पार्टिसिपेशन ऑफ
कोई इलेक्ट्रॉन फोर एफ इलेक्ट्रॉन एथरे फोर एफ इलेक्ट्रॉन अच्छा ना नहीं लैंथेनाइट सीरीज रे अच्छा तो से जो फोर एफ इलेक्ट्रॉन्स रहिले से माने कौन करिवे जेतले पार्टिसिपेट करिवे से माने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करिवे ठीक अच्छे। तो जदि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करिवे आम माइंड रे क्वेश्चन आसीबो जे ता भीतर पुणी मोस्ट स्टेबल के हबो तामें एमती कह परिवे जे द कॉन्फिगरेशंस हैविंग कौन कहली हैविंग फोर एफ जीरो जीरो फील्ड है थी और फोर एफ सेवेन हाफ फील्ड है थी और फोर एफ फोर्टीन फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन तो एमती लिखीद जीरो फील्ड हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फिगरेशंस सोच मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स गोटे एग्जांपल न नेला जाए हबन देख मु लिखिली सेरियम 58 सेरियम 58 रा कॉन्फिगरेशन कौन आसे 4F1 5D1 4S2 तो देख ये देख एठ दीटा गले ये ऑक्सीडेशन स्टेट देखाए सेरियम 2+ तीनटा गले सेरियम 3+ चारटा गले सेरियम 4+ देख एथिरे केते इलेक्ट्रॉन रही जाउची 4F1 5D1 हाफ फील्ड हैला कि नो एटा देख केते रही जाउची तीनटा पळेले 4F1 स्टील जीरो फील्ड के हाफ फील्ड हैला कि ना किंतु एथिरे रही जाउची 4F0 5D0 4S0 तो ये लीड कर चाहिए सेरियम 4+ टा जेनन कॉन्फ़िगरेशन को तो इटा गोटे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हना नहीं तेणु कर सेरियम 4+ टा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाइला तो पचार थिबो ए तीनटा आयन भीतर को ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल तो ए सेरियम 4+ टा कोन हे जे मोस्ट स्टेबल बुझेला मोस्ट स्टेबल अच्छा सेमती टीबी 65 टीबी 65 ये केते ऑक्सीडेशन स्टेट देखौथिबो ठीक है देखो टीबी 65 रो कॉन्फिगरेशन जदि लेखिबो एमती आसीबो 4F8 5D1 4S2 और एक्सेप्शन वाइज जदि लेखिबो एटा ठीक पळे आस्थाय 4F9 4A6S2 ओके तो एथिरे देखो केतेटा इलेक्ट्रॉन गले से हाफ फील्ड हबो तुम्हें निजे चिंता करो एठू दीटा चारटा ताहले टीबी रो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट केते हेथिबो ना टीबी 4+ चारटा इलेक्ट्रॉन जीवो तो सेटा कोन हे जीवो 4F7 एटा कोन हे गला हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन जोगु ये कोन हे जीवो स्टेबल सेमती यूरोपियम रो देख यूरोपियम रे बे देखु थिले 63 तो यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थाए 4F7 5D0 एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा प्राय टाइम परीक्षा रे पचारे हला 5D0 6S2 तो यू देखो आमे को थिले +3 टा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी +3 देखैबो किंतु यार स्टेबल स्टेट के हेथिबो एठो दीटा गले एटा हाफ फील्ड हे जाउची हला
तो एटा कौन है रे फो यूरोपियम टू प्लस नेली यूरोपियम टू प्लस तो यहाँ के फोर एफ सेवेन तो ये कौन है गला हाफ फिल्ड ताले ये कौन है थी स्टाबुल ये कौन है धकेला ओके हाफ फिल्ड तो यहाँ कौन है थी स्टाबुल बुझेला सेमती लास्ट आड़ को लिटे से हमरा तो कहे छी 4F14 जो ठी हबो सेटा हे जबो स्टाफ ह गुड एते दिन से जाने हला तो ऑक्सीडेशन स्टेट रे के स्टेबल के अनस्टेबल जान पालो इथरो क्वेश्चन देखो केमती पड़े गोटे दिटा क्वेश्चन कहिले जान परबो एमती गोटे प्रॉब्लम सपोज पड़ी छी कौन ना EU and ytterbium YB are good reducing agents. Good reducing agents. हले ठीक अच्छे होयाराज इन द कंपैरिजन भी दे दे पारे बस सेपरेट भी से कर देती हूँ होयार आज सेरियम फोर प्लस एंड टी नहीं था वो इटा आउट ऑफ क्वेश्चन है करीबा इटा को टिके देखो से कहला EU गुड़ा का यूरोपियम कहीं के गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते ले देखो एक्सप्लेनेशन रे तमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट जब देखी पारी बा हिज एपे जस्ट लिखी थी यूरोपियम 63 के तहत है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F7 5D0 6S2 हले तो यार स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन 2 प्लस तो एठू ई एमते लिख परबी यूरोपियम माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू यूरोपियम 2 प्लस हले तो एथिरे कौन हे जाउची ना 4F7 स्टेबल मोर स्टेबल लिख दो मोर स्टेबल ये कौन यूरोपियम टा कौन है गला लेस स्टेबल मोर स्टेबल ड्यू टू कौन है गला हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हन नहीं तो ये लॉस है ची इलेक्ट्रॉन तो ये प्रोसेस टा कौन है थी वो ऑक्सीडेशन नीचे ऑक्सीडेशन हो ची तो इटले के दवा सो यूरोपियम easily loses two electrons to become stable Eu2 plus stable Eu2 plus यदि एटा हैला itself से oxidize हैला ना reduce हैला oxidized so acts as better जी नीचे oxidize हो अन्य को कौन करती हुआ reduce तो ये कौन करे acts as better reducing agent better reducing agent वो इटा half field जो गु है ला इटर भी हम टास exactly same थे ही थी ले इटर भी हमरे कॉन्फ़िगरेशन कौन था 4F14 5D0 6S2 तो यार अभी स्टेबल स्टेट टा के तेरे ऐसे जी बो इटर भी हम 2 प्लस है कि ये 4F14 इटा कौन है थी बो स्टेबल ड्यू टू कौन है थी बो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन
ए सर नो बुझेला ए क्वेश्चन आंसर केमती लिखिबो। अच्छा जति ऑक्सीडेशन स्टेट विषय रे पढ़ी पारिलो अच्छा जोटा कहते आ गोटे क्वेश्चन ने करवा एति जिनस जान ला परे हां तो देख से आ गोटे क्वेश्चन पढ़े सेटा होचो गोटे एक्सेप्शन टा ठीक अच्छे कौन एक्सेप्शन टा सेटा टिके बुझ। अच्छा मत कहिल सेरियम एटा हमें लिखुचे 58 ओके कौन कहली सेरियम 58 आउ गोटे जिनस लिखती आम एटा कड़ा गला टीबी 65 तो जितेबले ये दुटा को लिखिले देख सेरियम रत ये थाए ना 4F2 5D1 6 sorry 4F1 इतनी टोटल चार्टा इलेक्ट्रॉन एटी अच्छे यार सेमती थाए डीबी रही 4F9 5D0 6S2 है ये दुटा जिनस था बर्तमान कथा है तुम्हें यार स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेटा केतबले पाइबो ना जेतबले -4 इलेक्ट्रॉन करिवो सेरियम 4 प्लस हो ला यार केतबले पाइबा कथा ना टीबी देखो एठु दुईटा गले केते हे जीवो 4 प्लस एटा होची 4F0 इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एटा होची 4F7 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ला तो ए दीटा जाको हब्बा कथा एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल होना नहीं एक्सपेक्टेड आमे भाबुचे माने होचंती टू बी स्टेबल किंतु पाठ कहे Ce4+ एंड Tb4+ acts as कौन कहले गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ता माने टिके ठीक रे बुझो हला एटा क्वेश्चन टा प्राय टाइम पचारे एटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करछि कौन पाए ना देखो आउ टिके पुरोर हमें कहि थेले +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल इन को सीरीज रे 4F माने कौन 4F सीरीज बा कौन हमर इनर ट्रांजिशन सीरीज कहिया पे भी मनुष्य कोन थे पड़ला ओके बुझेला तो ए जो जिनसटा कहिला जे ए दीटा रो फोर स्टेट आमे देखु छे स्टेबल अछि तो ए माने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रो काम करिवे माने निजे कोन होथिवे रिड्यूस होथिवे ता माने दे विल गेन इलेक्ट्रॉन होना नहीं गेन इलेक्ट्रॉन एटा पॉसिबल केमिति हबो मो पाखरे दुटा जिनस स्टेबल हे कि अछंती मो सेरियम 4 प्लस स्टेबल हे कि अछि एठी गोटे इलेक्ट्रॉन देबी पाठ कहुचि से सेरियम 3 प्लस को पढ़ाए एटा केमिति पॉसिबल स्टेबल लु से अनस्टेबल को जीवो एटा केबे हो नथु ना 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 एठी ही पाठटा रही गला जे आम एठी कोन लेखिले +3 ऑक्सीडेशन स्टेट टा स्टेबल आमे एटा जोटा कहू जे एटा इन गैसियस स्टेट स्टेबल
गैसियस स्टेट स्टेबल एटा किंतु मन रखी था सॉल्यूशन फेज रे स्टेबल इन सॉल्यूशन फेज आउ आमर रिडक्शन रिएक्शन गुड़ाक हुए को फेज रे सॉल्यूशन फेज रे जेतले सॉल्यूशन फेज रे स्टेबिलिटी देखिबो यार अधिक मोर स्टेबल ठीक अछि तो तमर सॉल्यूशन रे रिडक्शन रिएक्शन रिडक्स रिएक्शन तो तुम पाखरे देख मु एमती गोटे रिएक्शन लिखुचि एथेर कोन हुए देख कोन ना तमे सेरियम 4 प्लस नैच हला तुम भाबुच ये स्टेबल बिल्कुल नुह या सहित जतले तमे एफी 2 प्लस मिसेइबो ये कोन करिवो याकु ऑक्सिडाइज करिवो तो ये कोन हे जिवो ऑक्सिडाइजिंग एजेंट ये कौन है जीव रिड्यूसिंग एजेंट तो बर्तमान देख ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निजे कौन हुए रिड्यूस तो ये कौन हम गोटे इलेक्ट्रॉन याठ नहीं जीव एठ कि वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम हेले एटा सेरियम टा कोठी के पलैला 3 प्लस एटा कोठी के जीव एफी 3 प्लस तो ये कौन है गला मोर स्टेबल एफी 3 प्लस टा मोर स्टेबल आमे पढ़े 3D सीरीज बर्तमान सेरियम टा को प्रोसेस है एठी कौन है रिडक्शन माने ये एठी की रिडक्शन है किंतु अन्य को कौन कर ऑक्सीडेशन सो ये टैक्स आज कौन है गला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बुझे ना ये टा सॉल्यूशन फेज रे मोर स्टेबल तेरुं करी ये टा पॉसिबल सेम केस टा इथरे ही परिवो कुथरे कहला तमें जो टा टीबी नहीं टीबी 4 प्लस भी अच्छी 4F7 किंतु एथेरे जदि तमे एफी 2 प्लस दब ये भी सेम जिनस करिवो एफी 3 प्लस हे जिवो टीबी टा सॉल्यूशन फेज रे 3 प्लस रे मोर स्टेप ए दिटा एक्सेप्शन बुझेला त देख समस्त भाबथले यूरोपियम आ इटरबियम भलिया वाईबी भलिया ए दिटा बे कोन एक्ट करिवा कथा रिड्यूसिंग एजेंट किंतु एक्ट कौन करुचंती ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बुझेला कि नहीं एतिक जिनस हला एटा थिला तमर ऑक्सीडेशन स्टेट रो पाठ केयरफुली ताको टिके देखुथिबो ठीक अछि सेमिति आउ गुटी मात्र एथरे एक्सेप्शन अछि जोटा कि सामेरियम SF ठीक अछि देख सेटा को भी कही दिए ना पुणी से के पचार दब से मास्टर कहनी मास्टर को गाड़ी दब सामेरियम SM रो कौन ये एटॉमिक नंबर ना 62 है गले यार कॉन्फ़िगरेशन कौन आसुव 4F6 5D0 6S2 एटा आस तो रो स्टेबल स्टेट के हवा कथा प्लस वन किंतु SM टा स्टेबल हो प्लस टू ताने प्लस टू रे के 4F6 तो एटा है जाए तार मोर स्टेबल इन सॉल्यूशन फेज एक्वस सॉल्यूशन फेज ठीक अच्छे तो देख एठी ना हाफ फील्ड अच्छे ना फुल फील्ड अच्छे ना जीरो फील्ड अच्छे किंतु ये बेसिस टाइप बुझेला ए गुडा का सब एक्सेप्शन गुडा यार किछ रीजन नहीं ठीक अच्छे तमें साइज अनुसार देखिले भी एटा को एक्सप्लेन करि परिबो नाही केमेते एक्सप्लेन करियो देखो जदि मु कहि थांती एठो एठी के गोटे इलेक्ट्रॉन दे दियो एटा को एक्सप्लेन करे हबो एटा कथा कहि दउ छी हां किंतु या पूर्व सेरियम कथा रे कहि परिबनी एबे जो एक्सप्लेनेशन दउ छी दैट इज नॉट फिट फॉर सेरियम बार बार कहु छी आ सेथरे लिखि दबनी हला इटा को केमती एक्सप्लेन करियो सपोज इटा को जणे एमती लिख परिबो कोन लिखिबो 4F7 5D0
5D06S1 तो यार स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट टा हब्बा कथा केते ना SM+1 तो सेटा केते हि जीव 4F7 किंतु देखो एथिरे साइज माने प्लस चार्ज कोन अछि अधिक एठी प्लस चार्ज कोन अछि कम अछि तो आमे जानि छे ग्रेटर द चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव नो पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर इज द साइज इज द साइज हला तो एई दि जण का भितरे काहार साइज स्मॉलर हेथिबो एटा एसएम 2 प्लस इज लेस देन एमते रेडियस लिख दियो रेडियस ऑफ एसएम 2 प्लस इज लेस देन रेडियस ऑफ एसएम प्लस माने छोटो साइज काहार यार आमे जानि छे स्मॉलर द साइज मोर इज द हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन एक्वस फेज रे नो छे ना हाइड्रेशन मोर इज द स्टेबिलिटी जार कौन कहली साइज छोट तार हाइड्रेशन अधिक तार कौन स्टेबिलिटी अधिक ओके तो ये लिखी दब कौन मोर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज भी है तो यहाँ कौन है मोर स्टाब तो देख ल एसएम 1 प्लस टा लगवा कथा आमको स्टाबुल किंतु होची एसएम 2 प्लस तार कौन हाफ फिल्ड फुल फिल्ड अच्छे एमती बहुत सारा फैक्टर उपर डिपेंड करे स्टेबिलिटी टा किंतु सेरियम रे एक्सप्लेन कर दमी यार एक्सप्लेनेशन जानी गल सेरियम रे एटा देख सेरियम 4 प्लस रो साइज छोट होबा कथा दान कौन सेरियम 3 प्लस माने ने ताहले बेसी स्टेबल किए होबा कथा एटा किंतु होची कौन उल्टाटा तेनकर सेरियम रे फार्मूला पकई दबनी बार बार कहूँ बुझेला एतिक पाठ थिला तमरो कहा उपरे एटॉमिक ए जो सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट या पर हमें देखिया को जाउ जे एटॉमिक रेडाई एंड आयनिक रेडाई ठीक अछि।